दोस्तों, मुंबई में कोल्डप्ले का नया शो बुक माई शो पर जोड़ा गया। टिकट बिक्री कब शुरू होगी? कोल्डप्ले ने भारत में कॉन्सर्ट की घोषणा की। यहां देखें तारीखें, टिकट की कीमत और जगह। आज की खबरें। कोल्डप्ले जनवरी 2025 में भारत में प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि ग्रैमी विजेता बैंड अपना म्यूजिक ऑफ द स्फियर्स वर्ल्ड टूर मुंबई में लेकर आएगा। दो प्रमुख शो 18 और 19 जनवरी 2025 को डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। इसके अलावा कॉन्सर्ट में जाने वाले लोग टिकट की कीमतों की उम्मीद कर सकते हैं। 2,500 रुपए बुक माई शो के अनुसार इसकी कीमत 35,000 रुपए है। मुंबई शो के लिए टिकटें 22 सितंबर 2024 को दोपहर 12 बजे IST पर बुक माई शो पर विशेष रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त कोल्डप्ले प्रदर्शनों के लिए सीमित संख्या में इन्फिनिटी टिकट भी उपलब्ध कराएगा, जो शुक्रवार 22 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे IST से बुक माई शो पर उपलब्ध होंगे। हर कोल्डप्ले शो के लिए इन्फिनिटी टिकट की पेशकश की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि म्यूजिक ऑफ द स्फियर्स वर्ल्ड टूर प्रशंसकों के लिए किफायती कीमत पर उपलब्ध हो। प्रत्येक टिकट की कीमत स्थानीय रूप से 20 यूरो 2000 इंडियन रुपीस होगी और इसे जोड़े में खरीदा जाना चाहिए। खरीदार अधिकतम 2 टिकट ही खरीद सकते हैं, जो एक दूसरे के बगल में बैठे होंगे। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एल्बम के लिए नामांकित म्यूजिक ऑफ द स्फियर्स के हिट गानों और आगामी रिलीज मून म्यूजिक के नए एकल वी प्रे और फील से लाइक इन फॉलिंग इन के अलावा बैंड अपने व्यापक कैटलॉग से प्रिय एंथम भी प्रस्तुत करेगा। प्रशंसक येलो, द साइंटिस्ट, क्लॉक्स, फिक्स यू, वीवा ला विडा, पैराडाइज, ए स्काई फुल ऑफ स्टार्स और एडवेंचर ऑफ ए लाइफ टाइम जैसे क्लासिक्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो सभी लेजर आतिशबाजी और LED रिस्ट बैंड की शानदार पृष्ठभूमि में सेट किए गए हैं। कोल्डप्ले मुंबई आ रहा है म्यूजिक ऑफ द स्फियर्स वर्ल्ड टूर 2025 डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में शनिवार 18 और रविवार 19 जनवरी 2025 को। टिकट बिक्री के लिए 22 सितंबर 2024 को दोपहर 12 बजे IST बुक माई शो ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा। विशिष्ट स्थानों का खुलासा तब किया जाएगा जब प्रशंसक शो के दिन बॉक्स ऑफिस पर व्यक्तिगत रूप से अपनी टिकटें उठाएंगे तथा पूरे स्थल पर बैठने की व्यवस्था उपलब्ध होगी, जिसमें फर्श, ऊपरी स्तर और पार्श्व दृश्य क्षेत्र शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।